नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ यूरोप के पूरब में स्थित एक बहुत ही आकर्षणीय देश बेलारूस के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते हैं। दोस्तों, बेलारूस रशिया के पास में स्थित एक छोटा सा देश है जिसका संबंध रशिया के साथ काफी अच्छा माना जाता है। बेलारूस यूरोप का एक ऐसा देश है जहाँ की संस्कृति और रहन सहन रशिया के साथ काफी मिलता जुलता है, इसीलिए इस देश को व्हाइट रशिया भी कहा जाता है। एक समय पे यह सोवियत यूनियन का हिस्सा था जिसको सोवियत यूनियन टूटने के बाद 1991 में आज़ादी मिली। बेलारूस की कुछ बातें हैं जो आपको हैरान कर सकती है, जैसे बेलारूस के कुल 31 बैंकों में 30 बैंक सरकारी और सिर्फ एक बैंक प्राइवेट है। बेलारूस में कुल सिर्फ 4 टेलीविजन चैनल पाया जाता है और यह भी सरकार के द्वारा नियंत्रित होता है। बेलारूस में कुल आबादी का लगभग 80% लोग बेलारूसियन हैं, जबकि सिर्फ 15% लोग रशियन हैं। लेकिन शायद ये बात आपको हैरान कर सकता है कि यहाँ के लगभग 75% लोग रशियन में बात करते हैं और सिर्फ 20% लोग यहाँ का राष्ट्रीय भाषा बेलारूसियन में बात करते हैं। 1986 के दौरान बेलारूस में एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, जिसके वजह से आज भी यहाँ के 25% जमीनों में इसका प्रभाव देखा जाता है और आज भी यहाँ के लगभग 70% स्थानों में परमाणु रेडिएशन पाया जाता है। बेलारूस को दुनिया के सबसे शिक्षित देशों में एक माना जाता है और इसका कारण है कि यहाँ पे कुल GDP का लगभग 6% हिस्सा एडुकेशन और हेल्थ में खर्च करा जाता है। बेलारूस का एक शहर पोलोस्क दुनिया के सबसे पुराने शहरों में एक माना जाता है, जो लगभग 2500 साल पुराना है। दूसरा विश्व युद्ध के दौरान बेलारूस के लगभग 25% लोग मारे जा चुके थे। इसके अलावा भी इस दौरान जर्मन सैनिकों के द्वारा लगभग 800,000 यहूदियों को मार दिया गया। उस समय पे यहाँ पे यहूदियों की आबादी लगभग 10% था, लेकिन आज यह 1% से भी कम है। बेलारूस की महिलाएं रशियन वंशभूत होने के वजह से काफी खूबसूरत होती हैं और यहाँ पे पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। बेलारूस के लगभग 50% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं और बाकी बची आबादी में ज्यादातर किसी भी धर्म का पालन नहीं करते हैं। बेलारूस में मुसलमानों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसीलिए शायद 2008 में जब पैगंबर मोहम्मद का कार्टून का मामला आया, तब बेलारूस एकमात्र यूरोपीय देश था जो इस मामले से जुड़े पत्रकारों को बहुत ही जल्द जेल में ढकेल दिया। बेलारूस यूरोप का एकमात्र देश है जहाँ पे दोषी को फांसी की सजा तक हो सकती है। बेलारूस का ज्यादातर पैसा एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और यहाँ का ज्यादातर व्यापार रशिया के साथ करा जाता है। रशिया के साथ इसका संबंध कैसा है, आप एक ही बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2008 में पुतिन को रशिया बेलारूस गठजोड़ का प्रेसिडेंट माना गया। बेलारूस में चलने वाली करेंसी बेलारूसियन रबल है, जिसका भारतीय मूल्य लगभग 33 रुपए होता है। पिछले कुछ दशकों में बेलारूस में काफी मात्रा में आर्थिक वृद्धि हुई है और इस वजह से यहाँ पे बेकारों की संख्या काफी मात्रा में कमी है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा नहीं लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं क्यों अच्छा नहीं लगा।